नमस्कार। आज मैं आपको घर बैठे बैठे डायबिटीज़ का कलर्स की मदद से आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपको चार तरह के स्केच पेन चाहिए होंगे। फर्स्ट नंबर पे ब्लैक कलर, सेकंड पे डार्क ब्लू, थर्ड पे स्काई ब्लू और फोर्थ नंबर पे येलो कलर। अब मैं आपको इनके लगाने का तरीका बताता हूँ। ये मेरी लेफ़्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है। इस पे मैंने पहले ही लगा के रखे हुए हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना आपका लूँ। ये बिल्कुल मिडल में, जो सेंटर में है, मिडल जॉइंट के, यहाँ आपने ब्लैक कलर का स्पॉट लगाना है। उसके बिल्कुल बैक साइड पे भी ब्लैक कलर का स्पॉट लगाना है। इसके बाद आपने स्मॉल फिंगर साइड पे, ये डार्क ब्लू कलर का स्केच पेन है, ये आपने स्मॉल फिंगर साइड पे, यहाँ पे उसके साथ ही एक और स्पॉट लगा देना है डार्क ब्लू कलर के स्केच पेन से। उसके बाद लेंगे हम स्काई ब्लू। ये लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर का स्केच पेन है। ये आपने, जहाँ हमने डार्क ब्लू कलर का पॉइंट लगाया है उसके बिल्कुल साथ में ये स्काई ब्लू कलर का स्केच पेन से डॉट लगा देंगे। अब चौथे नंबर पे लगाएंगे येलो कलर का। ये येलो कलर का स्केच पेन है। ये हम लोग, जैसे इधर मैंने दो लगाए हैं स्मॉल फिंगर साइड पे, ऐसे ही इधर भी दो लगाने, एक छोड़ के उसके बाद एक पॉइंट लगा देना है। उसके साथ वाला पॉइंट नहीं लगाना, मिडल में एक छोड़ देना है। उससे अगले पॉइंट पे आपने, ऐसे आपको दिख रहा होगा, एक पॉइंट छोड़ के आपने येलो कलर से लगा देना है। ऐसे ही सेम यही तरीके से आपने मिडल फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट पे भी ऐसे ही सेम लगाने, यही वाले पॉइंट, सेम पॉइंट इसी पे भी लगाएंगे। ये भी यहाँ भी ऐसे ही येलो कलर का एक पॉइंट यहाँ भी लगाएंगे आप। ये आपको दिख रहे होंगे बैक साइड पे। ये तो ऐसे ही, जैसे ये मैंने इधर लगाए हैं इंडेक्स फिंगर पे और मिडल फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट पे, सेम आपने ऐसे ही ये पॉइंट राइट हैंड पे भी लगाने, सेम इसी तरीके से। तो इस तरह से आप घर बैठे बैठे डेली आप ये ट्रीटमेंट कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि ये कलर्स जो हैं ये दिन के वक्त लगाए जाएं, क्योंकि दिन के वक्त इन कलर्स का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इन कलर्स से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। रात में भी पड़ता है लेकिन दिन में इनका ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप भी इस पे ट्राई कीजिए और अपने डायबिटीज़ को, और जो अपने संगी साथी मित्र हैं जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनका ट्रीटमेंट कीजिए। क्योंकि आजकल लॉकडाउन का टाइम है, कोई जा सकता नहीं है, मेडिसिन भी कई बार कईयों के पास नहीं होती, तो उस वजह से आप लोग घर बैठे बैठे ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप अपना ट्रीटमेंट कीजिए और इसका रिस्पॉन्स मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।